सो हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज निखिल सर बैक विद एनदर वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज वन सी आपका करने वाले हैं सॉल्व। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था इसका, फिर हमने आपका एक्सरसाइज वन ए के दो वीडियो लेक्चर्स के अंदर खत्म किया था बता करके, फिर वन बी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया था, और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप एक्सरसाइज वन सी को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखो भाई, रेशनल इंडस्ट्रियल नंबर ओपी मल्होत्रा जी का आईसीएसई क्लास 9th पहला ही क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि आपको यहाँ पर करना है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है, तो डिनोमिनेटर को, अब देखो जैसे आपका लिखा है 1/√3, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 1/√3 इस तरीके से। क्यों? क्योंकि रूट का, 1 का जो रूट होगा 1 ही होगा। इसको रेशनलाइज कर दोगे तो √3 ऊपर √3 नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर से करते हैं रेशनलाइज। तो 1 × √3 अपॉन √3 × √3, चलो ठीक है कर देते हैं इस तरीके से, दो डिफरेंट रूट नहीं रहेगा, एक ही रूट रहेगा। फिर ये आपका हो जाएगा √3 अपॉन, ये कितना हो जाएगा √9, और आपको पता है कि √3 अपॉन √9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो आपका √3/3 आंसर आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको आप कर लो √5/√12। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रेशनलाइजेशन ऑलवेज डिनोमिनेटर का होता है, न्यूमरेटर का नहीं। तो डिनोमिनेटर में √12 हो तो यहाँ भी √12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे भी √12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको कर लीजिए 5 × 12 होल अपॉन √12 × √12, कितना आ गया 12 आ गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा √60/12। तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या कर लेंगे, 60 कैल्शियम लीजिए, 60 कैल्शियम यहीं पर कहीं पर ले लेते हैं, चलो 60 कैल्शियम इस तरीके से ले लो। सॉल्व करने के लिए तो क्या हो जाएगा, 2 से गया 30, फिर 2 से गया 15, फिर 3 से गया तो 5 टाइम्स आ गया, फिर 5 से गया तो 1 टाइम, यानी कितना आ गया रूट के अंदर आपका आ गया 2 × 2 × 3 × 5। आपको पता है रूट के अंदर हर कोई चीज़ दो बार है तो एक बार बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो 2√3 × 5 = 15 अपॉन हो गया 12, काटा पीटी खून खराबा कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा √15/6, क्योंकि ये 6 टाइम्स जाएगा। या इसी को आप लिख सकते हो 1/6√15, दोनों ही आंसर आपका करेक्ट होगा। तो या तो आप ये कर लो या तो ये कर लो, दोनों ही आंसर करेक्ट होगा। बट आपको क्या करना है, छोटे से टर्म में लेकर के आना है ना ऊपर वाले को। चलो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको ऐसे कर लो, तो 75 × 75 = 76 कर लीजिएगा, 121 हो जाएगा अपॉन 75। आपको पता है कि 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 11 का होता है अपॉन √75। 75 का ऊपर और 75 का नीचे कर लीजिए रेशनलाइजेशन, तो आपका हो जाएगा 11√75 और नीचे आपका हो जाएगा 75। बट आंसर यहीं पे नहीं आया, 75 वाले को सॉल्व करेंगे, तो 75 को जब हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 25, फिर 5 × 3 = 15, यहाँ आ गया 3 × 1 = 3। तो अंदर कितना आ गया भाई, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11 × √ कितना आ गया 5 × 5 × 3 होल अपॉन 75। दो बार 5 आ गया तो एक बार आ जाएगा 11 × √3/75। तो इस 5 से 75 को कट कर दीजिए, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 25। तो आपका आंसर कितना आ गया, ये आपका आ गया 11/15√3। या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो, 11√3/15 भी आप लिख दोगे, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करना आपको समझ में आओगे, बहुत टफ नहीं है, सिंपल ही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर रूट के अंदर दिया तो उसको आप क्या कर लोगे, सिंपल फॉर्म में लेकर क्या होगा, क्योंकि देखो √3 तो इसका जो फैक्टर होगा 3 × 1 ही होगा, तो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट हो गए सॉल्व। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। ये क्वेश्चन आपको डरा जरूर सकता है, बट डरना नहीं है भाई, क्योंकि आपके निखिल सर आपके साथ हैं। देखो सिंप्लीफाई करना है, √112 − √63 + 224, तो थोड़ा सा जगह ले लीजिए यहाँ पर, 112 का पहले कर दीजिए फैक्टर, तो 2 से ले जाओ तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, फिर ले जाओ 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, फिर ले जाओ तो 2 7 times गया, फिर 7 1। तो रूट के अंदर कितना आ गया, 112 को जो आपने फैक्टराइज किया तो 2 कितनी बार आया, 4 times, तो आप लिखो 2 × 2 × 2 × 2, और क्या आया 1 7 आया, चलो ठीक है। माइनस 63 को करो, 63 को आप कर लीजिए, मैं तो ऐसे ही कर सकता हूँ बट आपके लिए कर रहा हूँ, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, फिर क्या हो जाएगा 3 7 = 21, फिर 7 times = 1, तो आप देखोगे तो यहाँ कितना आ गया √3 × 3 × 7, ठीक, प्लस 224 का करने का ज़रूरत ही नहीं है, अपॉन कर लो 28 को कर लो, चलो 28 को जब आप इस तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 14 times = 2, 7 times = 7 1 times =, तो कितना आ गया
2 × 2 × 7। और देखो भैया, स्क्वायर रूट में क्या होता है कि कोई भी डिजिट अगर दो बार अंदर है तो एक बार बाहर आएगा, यहाँ चार बार है तो दो बार बाहर आएगा, एक बार तीन बाहर आएगा, एक बार दो बाहर आएगा। कर लो इसको सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपका 2 × 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 16, 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है। तो एक इसको ला दिया, एक इसको बाहर ला दिया, यहाँ पर हो गया आपका अंडर रूट 7 माइनस रूट 3। देखिए दो बार 3 था, 3 बाहर 7 अंदर, प्लस 224/2 बाहर आ गया, रूट 7 अंदर चला गया। इससे इसको काट दीजिए आराम से, इससे इसको काट रहेंगे तो 112 टाइम्स चला गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 4√7 − 3√7 प्लस कितना हो जाएगा 112/7। मैंने बोला डिनोमिनेटर को ऑलवेज करते हैं रेशनलाइजेशन, तो देखो यहाँ यहाँ डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो केवल इसका करेंगे। ध्यान से देखना, सबका नहीं करेंगे, केवल इसका करेंगे। जब इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ब्रैकेट नीचे आपका डिनोमिनेटर में रूट 7 है, तो रूट 7 ऊपर कर लो, रूट 7 नीचे कर लो। सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा 4√7 − 3√7 प्लस 112√7 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, √7 × √7 तो 7 आ गया। अब 7 से इसको कट करिए, उड़ा दीजिए, 7 × 1 = 7, फिर 7 × 6 = 42, यानी ये कितना आ गया आपका 4√7 − 3√7 प्लस 16√7। अब भाई देखो सिंपल सा एक काम कर दो, रूट 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कर लो कॉमन। तो जैसे ही आप रूट 7 को कॉमन कर लोगे, यहाँ आपका आ जाएगा 4 − 3 + 16। रूट 7 सब में से निकालिए तो क्या बचा, 4 − 3 + 16। अब इसको मैं कर देता हूँ इधर सॉल्व। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा √7 बाहर इनटू, सॉल्व करो तो 4 में से 3 गया, कितना आ गया 1, 1 प्लस 16 कर दोगे तो कितना आ गया 17, या आपका आंसर कितना आ गया 17√7, यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए किस तरीके से हमने किया, पहले 112 को तोड़ लिया, फिर 63 को किया, फिर 28 को किया, इस तरीके से फिर जो आया उससे इसको कट कर दिया, फिर इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर में होगा रूट के अंदर उसको ही सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से रूट 7 कॉमन करके 4 − 3 + 16 कर लिया हमने, और इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया 4 − 3 = 1, 1 + 16 तो 17√7 आपका आ गया आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, है ना, और क्या ही कह सकता हूँ मैं। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं, एकदम ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है सिंप्लीफाई 4√18, पहले हम क्या करेंगे ना, जो रूट के अंदर दिया उसको फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक। आओ फिर कर लेते हैं, 4√18 को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 2 × 18। आप लोग ना फैक्टर करके एक बार देख लीजिएगा, आप लोग फैक्टर करके देख लेंगे तो भी यही आएगा। अपॉन √12 की बात करें तो √12 को आप कैसे लिख सकते हो, तो 2 × 2 = 4, 3 × 12, 2 × 2 = 4, 3 × 12, ठीक, माइनस 8। अब √75 को अगर किया जाए तो 75 को चलो यहाँ पर कर लिया जाए, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 3 × 1 = तो आपका आ गया यहाँ पर 5 × 5 × 3। अपॉन 32 को करना हो तो 32 को आप कैसे करोगे, तो 32 को करने के लिए चलो कर लेते हैं 32, 2 × 1 = 2, 6 × 2 = 8 × 2, 4 × 2 = 2, 1 × 2 = 2, तो 2 कितनी बार आ गया, 5 टाइम्स आ गया, तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32। चलो ठीक है, ये भी कर लिया आपने। अब प्लस 9√2 को तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, और √3 तो छोटा होता ही है, कोई दिक्कत है नहीं, कर लो सॉल्व। तो 2 बार 3 है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो 4 × 3√2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा −8 × 5√3 हो जाएगा, अपॉन 2 कितनी बार आया 1, 2, तो 2 × 2√2 आ गया, प्लस ये आपका 9√2 हो गया, अपॉन ये क्या हो गया √3 हो गया। कर लो सॉल्व, तो 4 × 3 = 12√2 / 2√3, ठीक। चलो माइनस 8 × 5 = 40√3 / 4√2, ठीक है, प्लस 9√2 / √3। अब थोड़ा सा यहाँ पे काटा पिटी करेंगे, देखिए भैया
टू से आप 12 को काट लो तो 6 टाइम्स गया, 4 से आप 40 को काट लो 10 टाइम्स गया, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो चलो ठीक है कर लेते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 6√2/√3 -10√3/√2, यहाँ पर क्या गया +9√2/√3। अब इन सब में से कुछ कॉमन नहीं है तो आप शांति से क्या कर लोगे, रेशनलाइजेशन कर लो। तो ये हो जाएगा आपका 6√2/√3 × √3/√3 -10√3/√2 × √2/√2, ये आ गया +9√2/√3 × √3/√3। कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 6√2 × 3 = 6 अपॉन, इसको कर लोगे तो 3 आ गया माइनस, ये कितना आ गया 10√6 यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, प्लस ये कितना हो गया 9, रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अपॉन कितना आ गया 3 आ गया, काटो तो ये 2 टाइम्स चला गया, ये 5 टाइम्स चला गया, ये 3 टाइम्स चला गया, तो आया कितना आपका आ गया 2√6 - 5√6 और ये कितना आ गया +3√6। तो जो पहले वाले हमने किया था √7 कॉमन, यहाँ क्या कॉमन आ गया √6 कॉमन आ गया, तो √6 को कर लीजिए कॉमन, तो क्या आ जाएगा 2 - 5 + 3, सो हियर योर आंसर इज √6 इंटू कितना आ गया 2 - 5 कितना हो जाएगा -3, और -3 + 3 कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पर आंसर तो बड़ा अजीब सा आ गया, √6 × 0 तो कितना आ गया 0, क्योंकि दुनिया के किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 0। देखो तो 5 में से 2 गया तो -3 - 3 + 3 कितना आएगा 0, और √6 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। पहले हमने क्या किया तो इन सब का फैक्टर कर लिया, फैक्टर करके रेशनलाइजेशन कर लिया, रेशनलाइजेशन करके आपने सॉल्व कर लिया, तो आपका आंसर इस तरीके से आ गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्लियर नहीं दिखता है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप जो वीडियो है उसको 720p या 1080p पर देखो तो आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से दिखेंगी भी और समझ में भी आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व, चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा, अभी तक केवल एक टर्म आ रहा था उसको हम एकदम आराम से रेशनलाइज कर ले रहे थे, अब दो टर्म आ गया यानी कि माइनस में या प्लस में आ रहा है। तो रेशनलाइज करने का एक रूल होता है कि अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव दिया है तो आप ऊपर नीचे डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करोगे, बट बीच में प्लस लगा दोगे। यहाँ पर प्लस दिया है तो ऊपर नीचे आप क्या कर लोगे भाई, रेशनलाइज तो करोगे ही लेकिन माइनस लगा लोगे। चलो मैं करके दिखाता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो इस तरीके से आपने किया तो आपका क्या हो जाएगा 1/4 - √3 × अब माइनस है ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4+√3/4+√3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आएगा 1 × 4+√3 तो 4+√3/a - b, a + b, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना a² - b² का, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक ब्रैकेट के अंदर होता है a + b और दूसरे ब्रैकेट के अंदर होता है a - b, वही लगाना है। देखो a - b, a + b, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² तो डायरेक्ट कर दो 4² - √3² सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 4+√3/4 = 16 - √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4+√3/16 - 3 = 13 एंड इट इज़ योर आंसर, है ना। तो यही करना था, बस ये फॉर्मूला लगाना है, a² - b² का फॉर्मूला क्या था a + b, a - b क्या हो जाएगा a² - b² 4+√3, इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड वाला देखो क्या करना है, मैं यहीं पर रेशनलाइज कर दे रहा हूँ। देखो √5 + √3 आप एक स्टेप अलग से करना भाई, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर कर दो √5 - √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी कर दो आप √5 - √3 से मल्टीप्लाई। माइनस से क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ प्लस दिया है, यहाँ आपने प्लस से क्यों किया था क्योंकि यहाँ माइनस दिया था। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ फिर इसके साथ, तो आप 2 × √5 - √3 लिख लो अपॉन √5 + √3 √5 - √3 तो क्या हो जाएगा a² - b² कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 × √5 - √3 / 5 का, क्योंकि रूट में है तो 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लो तो 2 × √5 - √3
होल अपॉन टू, टू से टू उड़ गया तो आपका कितना आ गया रूट फाइव माइनस रूट थ्री एंड इट विल बी योर आंसर। तो क्या किया आपने, इस तरीके से सॉल्व किया, फाइव माइनस थ्री कर लिया तो टू से टू चला गया तो आपका बचा कितना रूट फाइव माइनस रूट थ्री और ये आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा टू रूट फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन टू रूट फाइव प्लस रूट थ्री कर लो तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा टू रूट फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी टू रूट फाइव का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट थ्री का स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए का स्क्वायर यानी टू का भी स्क्वायर करेंगे रूट फाइव का भी स्क्वायर करेंगे, तो ऊपर पहले लिख लो टू रूट फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर इंटू फाइव, रूट फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा फाइव, देखो टू रूट फाइव का होल स्क्वायर यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ कहीं, देखो टू रूट फाइव का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको आप लिखोगे टू स्क्वायर इंटू रूट फाइव का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर कितना हो गया फोर, रूट फाइव का स्क्वायर कितना आ गया फाइव माइनस बी स्क्वायर यानी थ्री आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा मित्र, टू रूट फाइव प्लस थ्री अपॉन फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी माइनस थ्री, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा निकल करके क्या हो जाएगा टू रूट फाइव प्लस रूट थ्री होल अपॉन ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी माइनस थ्री सेवनटीन एंड इट विल बी योर आंसर। तो क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर दिया, ऊपर टू रूट फाइव प्लस रूट थ्री आ गया, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी कि फोर इंटू फाइव माइनस बी स्क्वायर यानी कि थ्री, तो फोर इंटू फाइव कितना हो गया ट्वेंटी माइनस थ्री, तो आपका आंसर आ गया सेवनटीन एंड इट इज़ योर आंसर। तो चलिए उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, फोर्थ वाला देखते हैं कोशिश करते हैं इतने में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आता तो देखते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा रूट थ्री माइनस टू, तो ऊपर भी क्या कर दोगे रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू, देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ यहाँ प्लस, यहाँ प्लस था तो यहाँ यहाँ माइनस, यहाँ माइनस था तो यहाँ यहाँ प्लस, यहाँ माइनस था तो यहाँ यहाँ प्लस, बस ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सॉल्व कर लो तो देखो रूट थ्री प्लस टू रूट टू, रूट थ्री प्लस रूट टू दो बार आ गया मल्टीप्लाई में है तो आपका हो जाएगा रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, देखो रूट थ्री प्लस रूट टू इंटू रूट थ्री प्लस रूट टू, तो क्या हो जाएगा रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर कर लो, मान लो टू इंटू टू लिखा हुआ है तो आप इसको टू का स्क्वायर नहीं कर लोगे, यही जैसे मान लो अगर आपको फाइव इंटू फाइव दिया है तो आप फाइव का स्क्वायर लिख लोगे ना, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी कर दो, ए स्क्वायर यानी रूट थ्री का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी रूट टू का स्क्वायर कर दो सॉल्व, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रख दो तो ए स्क्वायर, एक एक स्टेप कर देते हैं चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का मतलब क्या होगा रूट थ्री इंटू टू होल अपॉन ये क्या थ्री ये आ गया टू, तो थ्री माइनस टू वन होता ही है, चलो इसको सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर यानी कि आपको गया थ्री प्लस टू, ये कितना हो जाएगा प्लस टू रूट सिक्स अपॉन कितना आ गया वन, तो अपॉन वन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे फाइनल आंसर लिखते हैं थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा ये आ जाएगा फाइव प्लस टू रूट सिक्स एंड इट विल बी योर आंसर। तो आंसर कितना आ गया फाइव प्लस, यहाँ पर लिखो ये इसका आंसर क्या आ गया फाइव प्लस टू रूट सिक्स, कैसे आया तो माइनस था तो आपने ऊपर माइनस कर दिया, प्लस कर दिया तो प्लस प्लस सेम है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कर लिया और इस तरीके से आपका आंसर फाइव प्लस टू रूट सिक्स आ गया। तो फोर्थ का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हो गया सॉल्व यानी क्वेश्चन नंबर फोर आपका हो गया सॉल्व और उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा, टफ बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा। तो चलिए फिर इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन हम काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स एंड सिंप्लीफाई, रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना। देखो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो सिंपल सर में क्या कर लोगे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने आता है ना, तो फोर माइनस रूट फाइव इंटू फोर प्लस रूट फाइव ये हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाता है तो फोर प्लस रूट फाइव इंटू फोर प्लस रूट फाइव हो जाता है ना, फिर प्लस प्लस कर दो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो फोर माइनस रूट फाइव इंटू फोर माइनस रूट फाइव, नहीं समझ में आ रहा तो समझो कैसे, जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ पर लिखा है वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन टू, तो एलसीएम लेते हैं इसका तो एलसीएम लेके हम क्या करते हैं थ्री इंटू टू, यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम वही काम किया है इन दोनों का एलसीएम लेकर के इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ये आपका समझाने के लिए है तो इसको आप इन्हें इग्नोर करिएगा, तो ये आपका हो जाएगा फोर प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर प्लस
फोर माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर अपॉन, ये आपका हो जाएगा फोर माइनस रूट फाइव, फोर प्लस रूट फाइव है, तो अब आप इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कर दो तो ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, चलो एक एक स्टेप कर लो, प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू इंटू फोर इंटू रूट फाइव होल अपॉन कर दोगे तो आ कितना आ गया, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन माइनस ए कितना आ गया फाइव, तो फोर फोर ज़ा सिक्सटीन प्लस फाइव प्लस टू फोर ज़ा एट रूट फाइव प्लस सिक्सटीन प्लस फाइव माइनस टू फोर ज़ा एट, और ये कितना आ गया एट रूट फाइव अपॉन, अपॉन में कर दो सिक्सटीन माइनस फाइव कितना आ जाएगा एलेवन आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, प्लस एट रूट फाइव माइनस एट रूट फाइव आराम से उड़ गया, आपस में कैंसिल हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, सॉल्व करो तो सिक्सटीन प्लस फाइव ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी वन कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा फोर्टी टू अपॉन एलेवन, एंड इट विल बी योर आंसर। क्या किया आपने, रेशनलाइज करके भी कर सकते थे, ऐसे भी करो, एलसीएम ले लिया इन दोनों का, ये यहाँ हो गया, तो आपने ए प्लस बी दो बार था तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लिया, ए माइनस बी दो बार था ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लिया, सॉल्व कर लिया तो प्लस से माइनस गया, 16 प्लस फाइव कितना का 21, 21 प्लस 21 कितना हो जाएगा 42 अपॉन 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम सेकेंड वाला भी ऐसे ही करना है, क्या कर लेना है कर लो, तो यहाँ पर भी आपको पता ही है 5 माइनस रूट थ्री कर लो, यहाँ पर 5 प्लस रूट थ्री कर लो, फिर आपका क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 5 प्लस रूट थ्री प्लस 2 इंटू 5 माइनस रूट थ्री। अब ये यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नहीं 3 का एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ कर लो, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट थ्री के साथ, प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, फिर 2 का मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टू रूट थ्री होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फाइव स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर कर लो, 3 फाइव ज़ा 15 प्लस 3 रूट थ्री प्लस 2 फाइव ज़ा 10 माइनस टू रूट थ्री अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 25 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3। तो देखो यहाँ पर 3 रूट थ्री है, यहाँ पर 2 रूट थ्री है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान से समझिएगा, अगर लिखा होता है 2x और यहाँ पर होता है 3x, तो 3x में से 2x को माइनस किया जाए तो 1x आएगा, इसी तरीके से रूट थ्री यहाँ भी है, रूट थ्री यहाँ भी है, तो 3 रूट थ्री में 2 रूट थ्री जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 1 रूट थ्री बचेगा ना। देखो रूट थ्री को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट थ्री ऐसे होगा 2 रूट थ्री, मतलब यहाँ पर आपका होता है रूट थ्री प्लस रूट थ्री, 3 रूट थ्री का मतलब क्या हो जाएगा, रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, है ना, इसलिए इसको ऐसे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 10, 15 प्लस 10 कितना आ गया 25, 3 रूट थ्री में से 2 रूट थ्री गया तो कितना आ जाएगा, केवल रूट थ्री बचा, और यहाँ क्या आ गया 25 माइनस 3 आपका हो जाएगा 22, एंड इट विल बी योर आंसर। तो समझिएगा इस चीज़ को कि 3 बार रूट में 3 है, यहाँ 2 बार रूट में 3 है, कैंसिल हो कितनी हो जाएगा, 1 बार रूट में 3 आ जाएगा, 15 प्लस 10 25 अपॉन 22, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी हो गया सॉल्व, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो बहुत ईजी है, बहुत हलवा है ना, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए फिर ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके 3 पार्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना, और वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड करो, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2, इसको आप रेशनलाइज कर दोगे तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 प्लस रूट 2, सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन, ये आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व कर लो तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, होल अपॉन कितना हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर 9 माइनस 2, कर लो तो आपका हो जाएगा 9 प्लस 2 प्लस 3 टू ज़ा 6 रूट 2 अपॉन कितना आ गया 7, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका कितना हो गया क्या 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7। अब इधर दिया क्या है आपको, दिया है a प्लस बी रूट 2 की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से समझिएगा, रूट 2 यहाँ पर है ऑलरेडी, रूट टू यहाँ भी गिवन है, आपसे ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो
तो आपका जो ए का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 11/7, एंड जो बी का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6/7। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो ए प्लस बी रूट टू होल अपॉन वन कर सकते हो, तो ए अपॉन वन की वैल्यू कितनी आई है 11/7, बी अपॉन वन की वैल्यू कितनी आई है तो 6/7 करके आपका आंसर आया। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे। फिर सेकंड वाला जो पार्ट दिया है इसको करने के लिए फिर आप क्या करोगे, सेम चीज़ करोगे, 5+2√3/7+4√3 × 7-4√3/7-4√3 सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो 35, फिर 7 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 7 × 14√3 − 4 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो 5 × 4 = 20√3 − 4 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो कितना हो जाएगा −4 × 8 और √3 कितना हो जाएगा 3। समझिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, मैंने यहाँ पे एक बार इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, एक बार इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो 7 का जब इन दोनों के साथ किया तो 7 × 5 = 35, 7 × 14√3 हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ किया तो कितना हो गया 4 × 5 = 20√3 माइनस, अब रूट थ्री का मल्टीप्लाई किससे करना था, हाँ फिर क्या करना था, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, अब इसके साथ करेंगे तो 4 × 8 कितना आ गया, −8 आ गया, √3 × √3 कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4√3 का होल स्क्वायर कर लो सॉल्व, तो ये आपका हो जाएगा 35+14√3 − 20√3 − 8 = 24 होल अपॉन कितना आ गया 7 × 7 = 49 − 4 × 4 = 16 × 3 कर लीजिए सॉल्व करो तो 35 − 24 कितना हो जाएगा, तो 5 − 4 आपका हो गया 1, 3 − 2 हो गया 1 यानी 11 आ गया, यहाँ 14√3 यहाँ 20√3 है तो 20 में से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा −6√3, −6 क्यों है, क्योंकि बड़े डिजिट के सामने माइनस का साइन है, होल अपॉन कर दोगे कितना आ जाएगा 49 − 16√3 आपका होता है 48। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 − 6√3 / 49 − 48 यानी कि 1 इक्वल्स में क्या दिया था आपको, a + b√3 दिया था। तो अब आप फिर से देखो कि √3 यहाँ भी है तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 11, b की वैल्यू कितनी आ गई −6। तो इस तरीके से आप a और b की वैल्यू फाइंड कर लोगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट भी हो गया सॉल्व, और एक लास्ट पार्ट है इसका पार्ट 3, वो इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। चलिए लास्ट वाला पार्ट ही आपको सॉल्व करके बता देते हैं, फिर वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म। तो आइए फिर लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट पार्ट क्या है। अब देखो इसको भी सॉल्व करने के लिए आप क्या कर लेंगे, सेम वही काम, √7 + 1 √7 − 1 ये आ जाएगा इधर, तो √7 − 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस √7 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कर लीजिए। तो a माइनस बी कॉल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² − 2ab, तो 2√7 × 1 माइनस a + b कॉल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, तो 2√7 × 1 कर लीजिए, होल अपॉन क्या हो जाएगा a − b a + b a² − b² कर लीजिए सॉल्व। ये आपका 7 आ गया +1 − 2√7 − ये पूरे में माइनस है, देखिएगा ये पूरे में माइनस है, इस तरीके से है ना इसका खेल है। देखिए ये आपका, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको अलग ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा 7 + 1 + कितना हो जाएगा 2√7 अपॉन कितना आ गया आपका, तो ये आ गया 7 − 1, तो 7 + 1 कितना हो गया 8 −2√7 − का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले ऐसे कर दो तो कितना हो जाएगा 8 − 2√7 अपॉन कितना आ गया 7 − 1 यानी कि 6 आ गया। अब कर लीजिए इसको सॉल्व, जब इसको आप इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 + 8 = −8 गया, −2√7 − 2√7 तो कितना आ जाएगा −4√7 अपॉन कितना आ गया 6 आ गया, काटा पीटी कर लीजिए तो आ जाएगा −2√7/3। अगर इसके आंसर की बात करें तो ध्यान समझ लीजिए क्या हो जाएगा भाई, a और b की वैल्यू क्या होगी, तो a का वैल्यू यहाँ 8 से 8 कट गया था, तो 8 के a का वैल्यू कितना आ गया 0, क्योंकि ये था a और a तो कट गया, तो a का वैल्यू 0 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया तो −2/3 आ गया, और यही आपका क्या हो गया परम सत्य आंसर।
तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के सारे पार्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग आगे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि पढ़ाई आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। जिनका भी एग्जाम है बहुत मन से पढ़िए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।